चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के दो युवकों समेत 26 भारतीय क्रू मेंबर अफ्रीकी देश गिनी की हिरासत में हैं। 14 अगस्त से इन लोगों को हिरासत में रखा गया है। तो दो युवक इसमें उत्तराखंड के भी हैं। मुंबई की कंपनी के शिप में कार्यरत थे सभी युवक। 26 क्रू मेंबर जो है वो अफ्रीकी देश गिनी की हिरासत में, और इसमें दो युवक उत्तराखंड के भी शामिल हैं। कच्चा तेल लेने गए थे सभी अफ्रीकी देश और वहां पर हिरासत में ले लिया गया। सीएम धामी और स्थानीय प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है इन युवकों ने। तो उत्तराखंड से ये खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दो युवकों समेत 26 क्रू मेंबर अफ्रीकी देश गिनी की हिरासत में हैं। 14 अगस्त से इन लोगों को हिरासत में रखा गया है। मुंबई की कंपनी के शिप में ये सभी युवक कार्यरत थे और जब ये कच्चा तेल लेने वहां पर गए तो इन्हें हिरासत में रख लिया गया। अफ्रीकी देश गए हुए थे गिनी, जहां पर इन्हें हिरासत में रख लिया गया है। अब इन युवकों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड से ये खबर, जहां पर दो युवकों समेत 26 क्रू मेंबर अफ्रीकी देश गिनी की हिरासत में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, दो युवकों समेत 26 क्रू मेंबर अफ्रीकी देश गिनी की हिरासत में हैं, इस विषय में आपके पास क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट है? अफ्रीका देश गिनी के नौसेना कर्मियों ने हिरासत में ले रखा है। वहीं हल्द्वानी के सौरभ सवाल ने बताया कि वहां मुंबई की एक कंपनी की शिपिंग में कार्य करते थे, जिसमें से दो युवक उत्तराखंड के भी हैं। वहीं बात करी जाए, इनके परिजनों ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी गुहार लगाई है कि इनके परिजनों को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। जी, परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन परिजनों और युवकों को दिया गया है कि कब तक इन युवकों की रिहाई संभव है? अभी लगातार पुष्कर सिंह धामी से इनकी परिजन, वही पुलिस प्रशासन, जो लोकल जो पुलिस प्रशासन है, उनसे भी इनकी बात कर ली है। वहीं कहीं ना कहीं इनके परिजनों को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इनको वहां से छोड़ भी दिया तो आगे जाके जो अफ्रीका का जो बॉर्डर पड़ता है वहां की नौसेना इनको कहीं ना कहीं रोक ले। नाइजीरिया की जी जी बिल्कुल दीपक जी, जिस प्रकार से लगातार अब इन युवकों की तरफ से मांग की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है, और बाकी के जो अन्य भारतीय भी 26 क्रू मेंबर क्योंकि हिरासत में हैं, तो उनके लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? जी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी से जो इनके परिजनों की बात चल रही है, वहीं कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी यहाँ पे इनको बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं, हमारे द्वारा जितनी भी संभव कोशिश होगी, जितनी भी संभव मदद होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। जी जी शुक्रिया दीपक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे थे, जहाँ उत्तराखंड के दो युवकों समेत 26 क्रू मेंबर जो हैं, 26 भारतीय अफ्रीकी देश गिनी की हिरासत में हैं, और लगातार अब ये गुहार उनकी तरफ से लगाई जा रही है, परिजनों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि सरकार, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार मांग की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इन युवकों को जो है रिहा किया जा सके, वहां से रिहाई मिल सके, क्योंकि 14 अगस्त से इन लोगों को वहां पर हिरासत में रखा गया है। मुंबई की कंपनी के शिप में ये सभी कार्यरत थे और जब ये कच्चा तेल लेने अफ्रीकी देश गए तो वहां पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया।